नमस्कार दर्शक बंधु रेखास किचन को स्वागत मु आज आपण मानको बनेकी देखैबी तोरानी दे किपरि पोहळा माछ बनेबा जदि मो चैनल को सब्सक्राइब करिना आदि तबे सब्सक्राइब बटन को क्लिक करंतु या परे बेल आइकन को प्रेस करंतु या द्वारा मोर अपलोड होतवा वीडियो आपण माने देखि परिबे मो चैनल को लाइक करंतु एवं व्हाट्सएप फेसबुक रे आपण शेयर मध्ये करंतु चलो तो ये स्टार्ट करवा पोहला माछ को लुण हलदी दे भाजवाप रेडी करद लुण हलदी तो गोल सारे एवं भाजवाप कड़े टे बस किसी तेल दे दौर तेल तो गरम हो गलाद भाजवाप गोटे सैड तो हो गला उल्टे आर पट भल कर भाजन एबे माछ आमर भल कि भाजी गलानी गोटे प्लेट को काढ़ के रखी दोची माछ तो आमर भल कि भाजी गला मसला पाई मु एठारे किछि कटा प्याज नेहिची गोटे छोटो रसुण को चोपा छड़ाई कि रखी टमाटर किछि काटि कि रखी सुखिला लंका नेहिची जीरा नेहिची आ सोरिष मध्य नेहिची ए सबु को आमे एबे ग्राइंडिंग जार रे दे दबा पेस्ट बनाया पाई सब मसला दे सारे एवं अल्प पा दे मुझे ग्राइंडिंग करदेवि देखूँ मुझे ग्राइंडिंग कर सारे एवं मसला को गोटे छणा द्वारा किसी पा दे मुझे छाणीदेवि यही तरकारी झोल पतला रही भल लगे से छाणी दौर मसला को छाणीदे यार मोटा अंशटी बाहर करदेव आ पतला अंशटी को यूज करवा आ छाणी जूस छणा चाल यूज करेंगे से भल भाव छाणी देखु यहीपरी मोटा अंश जाली रही मसला तो ये छणा सर चलतु गोटे कड़े टी गरम कर तेल दे से गोटे चामच चीनी दे दबा चीनी तो आम मेल्ट ऊपर को उठला कटे प्याज दे भाजवा प्याज तो टी भाजी गला छाणिक रखी मसला टे को देद हलदी गुंड छोट चमच आ स्वाद अनुजाई लुण दे भाजवा देखते दर्शक बंधु सोरस मसला को अधिक भाजबे कारण पिता लगे दुई मिनिट भाजला काटिक रखा आलू दे दबा आलू दे सर दुई मिनिट भाजवा एवं आम तोराणी देद देखते दर्शक बंधु मुझे दुई दिन पखाड़ तोराणी यूज करुच्चे बेस खटा होता तोराणी यूज करी ना झोलर टेस्ट भल लगे ना भले कि टी गोल आलू को सीझापे आम कभर देदेब चलते देख लु आलू आम सीझला कि ना आलू तो आम भल भाव सीझि जाइए एवं भाजिक रखी मछ को मत देदेब मे सारे चार रु पांच मिनिट कभर कर रखिदब ये तोराणी झोल में मछ गुड़ को सीझापे सीम आंचर छाड़देव चलते दर्शक बंधु एवं आम देखीद सीझी कि ना तो मछ तो आम भल भाव सीझी जाए कटा धनिया पतर उपर दे दूची एथर रेडी आपणकर तोराणी दे पोहला माछ तरकारी घरे बने निश्चय खाइबे और फैमिली सहित तो सेयार करेंगे आपर लगे मत कमेंट बक्स में निश्चय जनइबे मोर ये भिडियो टी देखी थी धन्यवाद।